बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कुछ छात्र फंस गए। लेकिन दुखद खबर दरअसल यह है कि यहाँ पे एक शख्स की मौत भी हो गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई है आपके, जहां पे पानी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि दो छात्र और ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, इसके बाद से एक छात्रा की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे अभी भी कुछ छात्रों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये उस बेसमेंट की तस्वीर है जिस बेसमेंट में दो छात्र लापता है और दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस से लेकर जो NDRF है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जबकि एक शव वहां से बरामद कर लिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, हालांकि बाढ़ बारिश का कहर पूरे देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली में, दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में जिस तरीके से पानी भरा है, पानी भरने के बाद यहाँ पे एक छात्रा की मौत हो जाती है और दो छात्र यहाँ पर जिस तरीके से लापता है उनकी खोज लगातार जारी। से रुक करते हैं मैं सहयोगी साहिल का। साहिल, दो छात्र लापता बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए शाम 7 बजे के आसपास दमकल विभाग को, पुलिस को जानकारी मिलती है कि आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में अचानक से पानी भर गया और कुछ जो छात्र हैं वो नीचे फंसे हुए हैं, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाता है, पुलिस टीम को रवाना किया जाता है। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि एक जो स्टूडेंट है लड़की, उनकी फिलहाल अब तक मौत हो चुकी है। ये दिल्ली दमकल विभाग की तरफ से ताज़ा जानकारी सामने आई है, लेकिन अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि कुछ जो छात्र हैं वो अभी फिलहाल लापता है, और जिसके चलते हुए NDRF टीम को मौके बुलाया गया। NDRF हो, दमकल विभाग हो, दिल्ली पुलिस, तीनों टीमें जो है मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही, क्योंकि बेसमेंट है जो लाइट थी उसको काट दी गई, क्योंकि करंट जो है वो फैलने की आशंका, जिसके चलते थोड़ी बहुत समस्या आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और जिसके साथ ही अब ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मामला काफी ज्यादा जो है सेंसिटिव बताया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का मामला है, आईएएस कोचिंग सेंटर है, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कितने जो छात्र हैं वो अभी फंसे हैं। करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, जहां पे बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो ये लापरवाही है या चूक है या फिर किस तरीके से जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि यहां पे आदेश तो दिया गया है कि कुछ छात्र अभी भी लापता है, कैसे ढूंढा जाएगा उन्हें? जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, UPSC की स्टडी करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे कोचिंग सेंटर में जब वो अपनी स्टडी करने के लिए जाते हैं, अपने भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर के जो ओनर है उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिरकार जब बच्चे यहाँ पे अपने पहुँचते हैं ट्यूशन कोचिंग के लिए, फीस देते हैं, लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक राजधानी में एक बड़ी समस्या है, और यही अभी जो मामला है वो दिख रहा है कि वाटर लॉगिंग हो सकती है, बेसमेंट में पानी की कोई निकास नहीं हुई कि जिसके चलते वहां पे जल जमा हुआ और जो छात्र बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे या अंदर पहुंच रहे थे वो कहने का इस पानी में फंस के, जिसके कारण एक लड़की की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ अभी प्रायोरिटी पे रख के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस का मानना है वो तत्काल प्रभाव से और ज्यादा तेज चलाया जाएगा, क्योंकि NDRF की एक बटालियन को यहां पे बुलाया गया है और NDRF जो अपने इक्विपमेंट्स के जरिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जी एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हैवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी, और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपियर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और NDRF के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो NDRF और फायर के टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement and also because there is lot of furniture and other things in that basement जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है, तो you can imagine कि the rescue operation become difficult, but they are very trained teams which are doing their very best, वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक female dead body मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं
लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुँचाएं। जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहाँ से चले जाएं ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम स्मूथली कर सके। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप लाइव जिस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए, उनकी ओर से कहा जा रहा है दरअसल के अंदर अंधेरा है, डार्क है, लिहाजा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संभाल के चलाया जा रहा है ताकि जिस तरीके से जो छात्र फंसे हुए उनको ढूंढा जाए। लेकिन चूंकि करंट ना है बेसमेंट में, लिहाजा बिजली काट दी गई है, रात का वक्त है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उससे जुड़े लोग वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल दरअसल ये है कि इतनी प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर कैसे गया, और जब पानी भरा तो क्या छात्र क्लासेस ले रहे थे, क्लासेस चल रही थी साहिल? तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन जब शाम को बारिश हुई तो बेसमेंट में आखिर पानी इतना भर कैसे गया, छात्र क्या तभी क्लास वहां पर ले रहे थे, क्या लापरवाही की गई, तमाम सवाल खड़े होते हैं। जी निश्चित तौर पे तमाम जो सवाल खड़े होने कोचिंग सेंटर के ओनर पे लाजमी है कि आखिरकार जिस समय बारिश हो रही थी उस समय कितने स्टूडेंट जो थे वो बेसमेंट की कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे और कितने स्टूडेंट बाहर आ रहे थे, तमाम सवालों के घेरे में जरूर रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस का यही मानना है कि पुलिस जो है मामले की जाँच कर रही है, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेगी, कितने बजे का इंसिडेंट है, पानी की वाटर लॉगिंग जैसी समस्या क्यों आन पड़ी, क्या जो IAS कोचिंग सेंटर के जो मालिक है उनकी लापरवाही की वैसे ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला, ये जाँच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस जो है कहने की जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी तो उस मामले में पुलिस जो है जल्द मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। लेकिन DCP जॉइंट CP रैंक के अधिकारियों को यही मानना है कि जितने बच्चे अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कराया जा सके, उनकी तबियत खराब है तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके, वो प्रायोरिटी को लेकर ही दमकल विभाग और NDRF की टीम जो है इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है क्योंकि बेसमेंट जो है लाइट पूरी तरह गुल है जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉर्च और कुछ लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके चलते जल्द से जल्द जो है जो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ठीक, तो प्राथमिकता दरअसल ये है कि जो बच्चे अंदर फंसे हुए, स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन साहिल, देश भर में बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात है, सभी देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में राजधानी में जहां पे प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर है वहां बेसमेंट का पानी इतना भर जाता है कि स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वहां पे निकल नहीं पाते हैं, एडेड बॉडी रिकवर हो गई, कुछ छात्र फंसे हुए हैं, ये घोर लापरवाही दिखाई देती है यहां पर। हालांकि कितना वक्त और लग जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन में? हाँ, निश्चित तौर पर लापरवाही साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर के मालिक की नजर आ रही क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है राजधानी में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जब मालिक को यह जानकारी कि सावन का महीना चल रहा है, बारिश जो है मूसलाधार हो रही है, लेकिन पानी जब भरने लगा था तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको जो कोचिंग सेंटर उस कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए था जिससे पानी की निकासी हो सके, जो वाटर लॉगिंग जैसी समस्या उसको ठीक करवाया जा सके। लेकिन जो टीचर्स अंदर मौजूद थे, जो स्टूडेंट अंदर मौजूद थे, वो अंदर क्लासेस ले रहे थे और इसी दौरान राजधानी में शाम के समय तेज बारिश होती है, तेज बारिश जो पानी है वो बेसमेंट में जाता है, बेसमेंट में निकासी नहीं थी जिसके चलते पानी काफी ज्यादा भर जाता है और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस पानी के घेरे में फंस जाते हैं और उसके बाद पुलिस को, दमकल विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, उस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही तमाम जो तत्व हैं वो खुलकर साफ हो पाएंगे। जी, तो जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक छात्रा की जो डेड बॉडी है रिकवर कर ली गई है, दो छात्र अभी भी लापता है, अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस की ओर से बार बार ये अपील की जा रही है कि रात का वक्त है, रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग रहा है, दिक्कतें पेश आ रही हैं, लिहाजा जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो मदद करें। हालांकि पूरे के पूरे बेसमेंट की बिजली काट दी गई ताकि करंट के चलते जो अंदर छात्र फंसे हुए उनकी जान पर ना बनाए। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे आपको ये लाइव तस्वीरें हैं कोचिंग सेंटर के बाहर की, इस कोचिंग सेंटर के अंदर क्लासेस चल रही थी शाम के वक्त, दिल्ली में जो बारिश थी वो बारिश सभी ने देखा है। हालांकि तेज बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति पूरे देश भर में दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरीके से बेसमेंट में पानी भर जाता है, पानी भरने के चलते छात्र वहां फंस जाते हैं और ऐसे फंसते हैं कि जब छात्र वहां पे एक पे डूब जाता है, एक छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दो छात्र ऐसे हैं जो वहां पे अभी भी लापता है, उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। जो मशीनें हैं वो वहां पे लगाई गई है, पानी को निकासी को लेकर व्यवस्था की जा रही, जो NDRF की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है, जो इमरजेंसी सेवाएं चाहे एम्बुलेंस हो चाहे बाकी अन्य टीमें हो वो मौके पर मौजूद है ताकि अगर कोई छात्र अंदर फंसा हुआ हो, लापता हो, बीमार हो तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ी लापरवाही, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दरअसल ये कि इस जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इतने प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के अंदर
पानी भर जाता है बेसमेंट के अंदर, एक छात्रा की मौत हो जाती है, दो छात्र लापता हो जाते हैं, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कहा यह जा रहा है दरअसल कि पहले प्राथमिकता ये कि जो छात्र अंदर लापता है उनको पहले निकाला जाए, उनका पहले इलाज करवाया जाए। देखिए किस तरीके से पंपिंग के जरिए जो पानी है बेसमेंट का वो बाहर निकाला जा रहा है ताकि पानी अंदर कम हो, वाटर लेवल अंदर कम हो, ताकि जो छात्र लापता है उनको ढूंढ करके अंदर से बाहर निकाला जाए। जो भीड़ है आसपास के लोगों की वो भी देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है, जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें भी अंदर मौजूद है, लेकिन जो जिंदगी फंसी है अंदर उसको बाहर निकाला पहले प्राथमिकता है पुलिस की ओर से। और शायद यही वजह कि पुलिस ये कह रही है बार बार कि जो जिम्मेदार है कार्रवाई उन पर की जाएगी, लेकिन पहले प्राथमिकता दरअसल ये है कि जो लोग अंदर फंसे हुए, जो छात्र अंदर फंसे हुए हैं उनको अंदर से बाहर निकाला जाए। बड़ी लापरवाही, बड़ी खबर ये है। हालांकि पूरा का पूरा देश मॉनसून की चपेट में है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बाढ़ बारिश से बुरे हालात हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी तस्वीर निकल के सामने है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर, एनडीएमसी पर, इसके अलावा तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके पर जिम्मेदारी थी नालों को साफ करवाने की, जल निकासी की व्यवस्था करने की, और जब ये व्यवस्था नहीं होती है तो तस्वीर कुछ ऐसी निकल के सामने आती है जो दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पे छात्र जो पढ़ाई करने के लिए, वो नौजवान जो छोटे छोटे शहरों से अलग अलग राज्यों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, आईएएस पीसीएस बनने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं जहाँ पे तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। सीधे रुख करते हैं साहिल का। साहिल, हम देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है, पानी को बाहर की ओर निकाला जा रहा है, लेकिन कितना वक्त लग जाएगा ये तय कर पाना मुश्किल है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? अभी जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे चल रहा है, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँ, ये देख सकते हैं यही बेसमेंट है जहाँ पे पानी भर गया था, और अभी फिलहाल एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है और पानी को बाहर निकालने की जो कवायद है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। ये तस्वीर देखिए, ये एक आगे का बेसमेंट का हिस्सा है, आगे आपको दमकल कर्मी यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, पानी को जो पाइप है दमकल विभाग के फायर के उन पाइप के जरिए पानी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और साथ ही साथ एम्बुलेंस दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पे घटनास्थल पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की जो आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पर मौजूद हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल एक लड़की की ही जो है डेड की खबर वो फिलहाल सामने आई है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अंदर की तरफ जो बिजली थी लाइट उसको काटा जा चुका है क्योंकि करंट जो है वो फैलने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा दमकल कर्मी और एनडीआरएफ को मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी तेज़ी से पानी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इस घटने का जिम्मेदार कौन है वो फिलहाल देखना बाकी हो क्योंकि कोचिंग सेंटर है, रोजाना हजारों की संख्या में जो छात्र यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन जिस समय बारिश हो रही थी उस वक्त भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बच्चे कोचिंग सेंटर में मौजूद थे, वो कोचिंग ले रहे थे, लेकिन इतनी जानकारी ना स्टूडेंट को थी ना छात्रों को थी कि बेसमेंट में इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा कहीं ना कहीं बच्चों की जान जो है वो आफत में आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दमकल विभाग की गाड़ियाँ, एनडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस को तत्काल प्रभाव से यहाँ पे तैनात किया गया है। फिलहाल अब ये देखना है कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन कितने घंटों तक और चलता है क्योंकि लाइट नहीं है तो काफी ज्यादा एनडीआरएफ को दमकल विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। जी साहिल, जहाँ पे खड़े हैं आप वहां पर भी मुझे पानी पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बारिश हुई है शाम में उस बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या जिम्मेदार लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि जो जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए उन्हें एहतियात के तौर पर बाहर निकाल दिया जाए, घर भेज दिया जाए, क्लासेस न ली जाए, क्योंकि अगर क्लासेस न ली गई होती तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। फिलहाल यहाँ पे जो टीमें हैं अंदर से कोशिश तो कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने को, लेकिन लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली काट दी गई है सिफर साइड, लिहाजा अंधेरा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या ये तय है कि सिर्फ दो ही छात्र अंदर लापता है या कुछ और भी स्टाफ के लोग या छात्र और भी अंदर फंसे हुए हैं? इसके अलावा क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई जिम्मेदार व्यक्ति शख्स दिखाई दे रहा है आपको बात करने के लिए जो जवाब दे सके, क्या ऐसा कैसे हो गया? देखिए फिलहाल अभी तक कितने छात्र लापता हैं उसकी जानकारी आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि 2 से 3 छात्र जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं बेसमेंट में लापता हैं, जिनके मद्देनज़र जो है एनडीआरएफ और दमकल विभाग जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी कितने और स्टूडेंट अंदर फंसे हो सकते हैं उसको फिलहाल अभी बाकी है क्योंकि एनडीआरएफ के आला अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस जगह पर ज़्यादा पानी भरा हुआ है उस चीज़ को देखा जा रहा है कि वहाँ से पानी को निकाला जा सके, कोई अंदर स्टूडेंट फंसा हो तो उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, और यही वजह है कि इतने सारे जो पाइप आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हीं पाइप
के जरिए जो है जो बेसमेंट में पानी भर गया था उनको बाहर निकालने का जो काम है वो तेजी से यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन 7 बजे का इंसिडेंट था, लगभग 11 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कौन इसका जिम्मेदार है उसका फिलहाल कहना बाकी है, लेकिन पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। इस पूरा गाली भी पकड़ो, क्या कर रहे हो यार, पानी जमा हुआ है, एक ठीक है। जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर, और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जाँच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर है और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का स्पेशली जो एमसीडी का अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। हमसे बात करो सर, हम बता दें कैसे एक्शन लिया जाता है। आपकी ओपोजिशन में है बीजेपी, वो एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रही है, इसके लिए कैसे देखते? देखिए इस दुखद घटना में जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो सुन रहे थे आप शैली ओबेरॉय को, जो कि कह रही थी कि दरअसल जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि जो स्थानीय विधायक है दुर्गेश पाठक वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। शैली ओबेरॉय को भी देखा आपने, जो कह रही है कि दरअसल एक पाइप अंदर फट गया जिसके चलते वाटर ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते पानी भर गया पूरे के पूरे बेसमेंट में और ये हादसा हो गया। हालांकि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय